हैदराबाद के हरपाल नगर स्थित गांधीनगर पब्लिक स्कूल में पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। एक दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के मैनेजर रवि सिंघल और प्रधानाचार्य शशि शर्मा द्वारा किया गया। मुरादाबाद में स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में बच्चों को पठन पाठन के साथ प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने पुष्पों के माध्यम से अपनी कला को दर्शाने का प्रयास किया और सभी ने यह संदेश दिया है कि हम पर्यावरण को बढ़ावा दें और पेड़ पौधे से प्यार करें। इस दौरान सभी बच्चों ने पौधों को साज सज्जा में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन बातों का संदेश भी बच्चों द्वारा दिया गया। कई प्रकार के मॉडल बनाकर बच्चों ने फूलों के माध्यम से संदेश दिया है कि हम अपने घरों को सजाने के लिए फूलों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर निर्णायक मंडल ने भी सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बच्चों द्वारा किए गए सभी प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस दौरान सभी बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और साथ ही उनसे अपेक्षा की गई कि वे भविष्य में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। गांधीनगर पब्लिक स्कूल के मैनेजर रवि सिंघल का यह कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया, जिसका मकसद यही है कि सभी लोग बच्चों की प्रतिभा को देखकर उनकी हौसला अफजाई करें। आज बच्चों ने फूलों के माध्यम से कई संदेश देने का काम किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बच्चों द्वारा दिए गए संदेशों से जागरूकता पैदा होगी। आज विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन कराया गया है, इसको नाम दिया है उन्होंने फ्लोरल गैलरी, यानी कि जस्ट फ्रॉम नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों को पेटल्स फ्लावर से उसको सजाना है, ड्राइंग को पेटल से सजाना है, लीव से सजाना है, तरह तरह से बच्चों ने इसको सजाया है और बहुत बहुत अच्छा उनका काम रहा है। विद्यालय काफ़ी समय बाद खुला है, बच्चों को बहुत, बच्चों में भी उत्साह है और जो हमारे टीचर्स हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। बच्चे लगातार डेली बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो मोर देन 85% बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑफलाइन कोचिंग में आ सकती है वो ऑनलाइन कोचिंग में नहीं आ सकती। ऑनलाइन कोचिंग तो एक हमारी मजबूरी थी, लेकिन वास्तव में बच्चों को जो सही शिक्षा मिलती है वो तो स्कूल में आकर ही मिलती है। तो सभी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, टीचर भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं।